हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई, अब कल के ब्लॉग में मैं बताया था कि मैं बनारस जा रहा हूँ, तो वही मैं बनारस जा रहा हूँ। और यहाँ पेट्रोल टंकी पे रुके थे तेल भराने के लिए, और यहाँ बगल में खड़े हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ जौनपुर और बनारस हाईवे पे, तो चलिए दिखाता हूँ। ये जो फ्लाई ओवर है, ये देख लीजिए, ये फ्लाई ओवर सीधा ऊपर चला जाएगा बनारस। और अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो फ्लाई ओवर के जस्ट बगल से ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता, ये नीचे से ऐसे ही चला जाएगा एयरपोर्ट पे। और मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये मेरा भाई, और बस अभी जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर आप बात करते हैं। हाईवे बढ़िया डेकोरेशन है यार। मतलब ये बनारस से 17 किलोमीटर पहले ही ये रोड जो हाईवे है, ऐसा डेकोरेशन देखने को मिल रहा है। बढ़िया है यार। अभी हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं, और देखो धर्मेंद्र यहाँ पे बैठा है, और विशाल वहाँ पे बैठे हैं। ये भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इनका घर जौनपुर में पड़ता है, जौनपुर सिटी में, तो ये भी आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। और हम लोग जस्ट अभी आए हैं, तो लेकिन बारिश हो गया है यार, बारिश हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का हो रहा है। बाबू खिड़की बंद कर दो बेटा, बारिश आ रहा है ना। खिड़की बंद कर दो, खिड़की नहीं बंद करने दे रहा है। पापी तो देखो इतने लिखे, इधर देखिए, इधर दिखाओ, इधर देखिए, इधर दिखाओ। टूटी आ है, टूटी मालिश करी। बटू देखो, एक मिट्टी लग रही है बारिश में, बिट्टी लग रही है बारिश में। बिट्टी सामने आ जाती है। चलो उधर बैठो बेटा, इधर जंगले पे बैठो, खिड़की बंद करके एक बंद कर दो, एक रहने दो, क्योंकि बारिश आ रहा है ना। कैसे बंद?